मंगलवार रात बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को हेड कोच के तौर पर नियुक्त कर दिया। वहीं जहीर खान को गेंदबाजी कोच बनाया गया है। जहीर को लेकर कुछ जगह लोगों को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं समिति का ये कदम काफी अच्छा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि टीम को जहीर के जुड़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। स्विंग गेंदबाजी के हैं सुल्तान। जहीर खान हमेशा ही अपनी खतरनाक स्विंग के लिए जाने जाते थे, चाहे डेथ ओवर्स की बात हो या फिर शुरुआती स्पेल की। जितनी अच्छी गेंदबाजी वो नई गेंद से करते थे, उतनी ही खतरनाक वो पुरानी गेंद साइड स्विंग करते थे। टीम में उमेश, शमी, भुवनेश्वर और बुमराह जैसे युवा तेज गेंदबाज हैं, और जहीर का मार्गदर्शन उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मदद करने के लिए रहते हैं हमेशा तैयार। जहीर खान के बारे में युवा गेंदबाज हमेशा बताते हैं कि वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे मोहम्मद शमी हो या फिर आरपी सिंह। सबने ये माना है कि जहीर आधी रात को भी मदद करने के लिए मना नहीं करते। जहीर की ये खास बात टीम का माहौल और युवा गेंदबाजों को काफी सीखने का मौका देगा। प्लेयर्स के हैं काफी करीबी। जहीर खान मॉडर्न डे क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं और वो टीम के लगभग सभी प्लेयर्स के काफी अच्छे दोस्त हैं। ड्रेसिंग रूम में भी जहीर काफी हंसी मजाक करते देखे गए हैं, जिससे खिलाड़ियों और उनके बीच काफी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। साफ है कि जहीर को बॉलिंग कोच बनाने का फैसला काफी सही साबित होगा। जहीर चाहे कभी टीम इंडिया के कप्तान ना रहे हों, लेकिन वो गेंदबाजी के कप्तान जरूर थे। तभी धोनी जैसे कप्तान ने भी उन्हें गेंदबाजी का सचिन ऐसे ही घोषित नहीं किया था। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।